क्या आपका कभी ऐसा दिमाग चलता है कि घर पे कुछ भी सामान रखा रहे और कुछ आइडिया सा आए कि मुझे इसका कुछ नया बनाना है। मेरे दिमाग में तो तुरंत आता है कि मैं इसका क्या बनाऊं, और आज मैंने ऐसा ही कुछ किया। घर पे रखी थी कुछ बूंदी, जिसे देखकर मुझे लगा कि मैं तो इसकी बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बना सकती हूँ। जो प्रसाद वाली बूंदी लोग सिंपल तरीके से खाते हैं, उसको इतना टेस्टी भी बनाकर खाया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ ये रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलका, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रिज में ये बूंदी एक हफ्ते से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसका कुछ अच्छा सा बनाकर खाती हूँ और सभी को खिलाती हूँ। और फिर ये बूंदी बची ही नहीं, सबके सब चटकर गए। तो करना क्या है, बची हुई बूंदी को हमें लेना है किसी मिक्सिंग बाउल में या किसी कटोरी में, इसे निकाल लेना है और इसमें डालना है हमें अमूल का फ्रेश क्रीम। अगर आप अमूल का फ्रेश क्रीम नहीं यूज कर रहे हैं तो आप दूध की ताजी ताजी सी मलाई को फेंट कर ले सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हमें बूंदी के साथ अच्छे से मिला देना है। अभी ये जो बूंदी सिंपल तरीके से थी, ये एकदम क्रीमी क्रीमी सी बहुत ही टेस्टी सी बन जाती है। बूंदी में क्रीम अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी क्रीम हम ऊपर से भी डालेंगे। अपने मन पसंद ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो भी आपको खाना पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डालें, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां भी ऊपर से डाल देंगे। बस ये लाजवाब सी बूंदी की रेसिपी तैयार है। एक बार बना करके खाइए तो सही, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। क्रीमी क्रीमी ये बूंदी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। और जब भी आपको प्रसाद में या ऐसी बूंदी आपको मिलेगी ना, तो आप ऐसे ही बनाने की सोचेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी है। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको, फटाफट से कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो आगे भी जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, आपको ये क्रीमी क्रीमी सी लाजवाब सी बूंदी की रेसिपी बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय बाय।